भारत के अमरावती जिले में एक मेलघाट करके गांव है और उस गांव में अनाथ बच्चे और बेसहारा लोगों के लिए सरकारी आश्रम बनाए हैं और उस आश्रम में काम करने वाले लोगों को सरकार काम से निकाल रही है। गांधी जी का एक हथियार है कि प्रेम से मांगो तो सब मिलता है और यह आदिवासी लोग यही कर रहे हैं, अर्धनंग होकर कुपोषण कर रहे हैं ताकि उनकी मांगे सरकार पूरी कर सके। हम आदिवासी आश्रम शाला में खाना बनाते हैं और पीछे कम से कम 6-7 साल से हम खाना बना रहे हैं और कम से कम कभी भी 600-700 लड़के बच्चे उनको खाना शाम सुबह दोनों टाइम बनाना पड़ता है। उतना ही बर्तन घास घूस करना पड़ता है, सब मतलब पूरा टोटल काम करना पड़ता है। आपने ये सोचा कि सामने का भविष्य करके कि चलो भाई अपन को 30-32 रुपये रोज तो मिल ही रहा है और 1000 रुपये महीने के ये हो रहा है तो आगे चल के अपन 7 साल होने के बाद में अपन को सरकार ने यानी कि कायम स्वरूप कर लेता करके, लेकिन सरकार ने हमारे लिए कुछ विचार नहीं किया। हमारी जगह पे दूसरे भर्ती हो रहे, हमारे को सरकार नहीं भर्ती कर रहे, ऐसे बोल रहे कि भाई जैसे चौथी पास होना, यदि पहले वो लोगों ने हमारे को काम पे भर्ती किए हमारे टीचर लोगों ने, तो उनको भी तो उधर से आदेश होएगा, जो हमारे बड़े अधिकारी धारणी में है पीओ साहब है उसको भी तो उधर से अधिकार उसने देना था कि भाई जो चौथी पास है उसको काम पे लेना, लेकिन ये आदेश हमारे को पहले नहीं मिले। यदि हमारे को पहले मिल जाते थे तो हम ये काम नहीं। कई सालों से समस्या को सुलझाने के लिए कोशिश की गई, जब देखा कि मामला वहाँ नहीं सुलझ रहा इसलिए हम लोग यहाँ पर आए और यहाँ पे आने के बाद में पहले दिन हम लोग जो है सुनील तटकरी जी से मिले, 2 घंटे इंतजार किया और 1.5 मिनट का अपॉइंटमेंट मिला और उस अपॉइंटमेंट में भी उन्होंने बहुत गंभीरता से इसको सुना भी नहीं, देखा भी नहीं। और उसके बाद में आदिवासी मंत्री से एक मुलाकात हुई तो उस आदिवासी मंत्री की मुलाकात में भी कुछ विशेष हाथ में नहीं लगा और उन्होंने भी इसको बहुत गंभीरता से नहीं लिया। मैं चाहता हूँ कि जो आदिवासी लोग हैं उन्हें फिर से काम पर रखा जाए और अगर किसी चीज़ में वो लोग कम हो रहे हैं तो उन्हें सरकार की तरफ से ट्रेनिंग दिया जाए ताकि उनकी घर की रोजी रोटी फिर से चले। मुंबई से अमोल लालजरे, इंडिया अनहर्ड के लिए।